हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, एंगुलर 8 के न्यू फीचर में आप ये भी देखेंगे कि एंगुलर स्लैश HTTP को बाय बाय बोल दिया गया है। मीन्स कि एंगुलर 8 में अब इस HTTP को, जो एड्रेट एंगुलर स्लैश HTTP है, इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एंगुलर 8 का वर्जन रिलीज हो चुका है और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एंगुलर स्लैश HTTP को हम यूज करते थे पहले अपने सर्विस को यूज करने के लिए, सर्विस KPI को यूज करने के लिए, या फिर जो भी HTTP रिक्वेस्ट होते हैं उसको यूज करने के लिए अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में। ये एंगुलर 4 तक बिल्कुल यूज में था, और लेकिन एंगुलर 4 के बाद इसके प्लेस पर हम यूज करने लगे थे एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। लेकिन स्टिल एंगुलर 7 तक इसको हम यूज में लेते थे, ये काम करता था प्रॉपर और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब गूगल की टीम ने क्या किया है कि एंगुलर 8 से और इसके बाद के आने वाले वर्जन में इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इन्होंने रिकमेंड आपको किया है कि एंगुलर स्लैश HTTP के प्लेस पर आप यूज करेंगे एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। मीन्स कि इसके प्लेस पर आप कॉमन के बाद, जो कॉमन के अंदर जो HTTP है उसको यूज करेंगे। इसके जो लाइब्रेरी है इसको इन्होंने इन्हांस कर दिया है, तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाएगा इस गूगल के टीम से। गूगल एंगुलर के टीम से रिकमेंडेशन आया है कि आप अब इसके प्लेस पर आप कॉमन स्लैश HTTP यूज करेंगे, क्योंकि अब एंगुलर 8 के बाद जो भी वर्जन आएंगे या एंगुलर 8 में भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई इशू आता है, कोई एरर आता है आपके प्रोजेक्ट में, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं आएगा। इसका कोई बग्स होंगे तो उसको फिक्स नहीं किया जाएगा। एंगुलर 7 तक यह स्टिल वर्क में था, लेकिन इसको हटाने की कोशिश पहले ही कर दिया गया था एंगुलर 4 के पास साथ ही। तो ये है बाय बाय एंगुलर HTTP। मीन्स की एंगुलर टीम ने एंगुलर 8 में इसको बाय बाय बोल दिया है, इसका सपोर्ट आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली अभी से सब्सक्राइब ही कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।